नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, और इस मुंबई में हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग यहां पर अपने परिवारों के साथ रहते हैं। उनका किसी तरीके से धनोत्पार्जन कर अपने परिवार की वो आजीविका भी चलाते हैं। यहां पर सांता क्रूज वेस्ट का ये इलाका है, और लायंस क्लब के नाम से जाना जाने वाला ये मैदान है। इस मैदान में हर साल की भांति इस साल भी उत्तर भारतीय स्थापना दिवस बड़े ही जोर शोर से और धूमधाम से मनाया जाना है, और बड़ी बड़ी राजनीतिक विभूतियां, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, तमाम लोग अपनी उपस्थिति यहां दर्ज कराएंगे। हमारे साथ यहां पर वो तमाम लोग हैं जो उत्तर भारतीय समुदाय से हैं, और खास करके अमरजीत मिश्रा की हम बात करते हैं, जो देखते देखते उन्होंने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो बहुत छोटे पैमाने पर था, लेकिन देखते देखते ये एक विशाल काय कार्यक्रम बन गया। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। अमरजीत साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस आप मनाते हैं, इसके पीछे का आपका अभिप्राय क्या है? वो इस मिट्टी से जुड़े, और उस मिट्टी से भी जुड़े जिससे उसके पुरखे आए थे, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने लोक चेतना को से जागृत हो, इसके लिए हमने मुंबई शहर में एक दिन कौन सा तय हो, इसके लिए हमने जब ये पता लगाया कि मुंबई में रहने वाला उत्तर प्रदेश का नागरिक उत्तर प्रदेश से कैसे जुड़ सकता है, तो हमने देखा कि महाराष्ट्र लोग महाराष्ट्र डे मनाते हैं, उड़ीसा के लोग 1 अप्रैल को उड़ीसा डे मनाते हैं, तो हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता। ये 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर, पहले उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध, इसके लिए उत्तर प्रदेश, उनको यूपी कहा जाता था। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की इच्छा थी कि इसका यूपी स्वरूप न बदले, इसके लिए भौगोलिक रूप से उत्तर में था, उसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, फिर यूपी बना। अब यूपी 1950 में 24 जनवरी को बना था, तो हमने 24 जनवरी को चुना कि मुंबई शहर का उत्तर प्रदेश का नागरिक, उत्तर भारत का नागरिक, यहाँ पर रोजी रोटी की समस्या के साथ जब वो दो चार होता है, तो एक दिन ऐसा हो जो अपनी लोक भाषा से जुड़े, लोक भाषा, लोक गीतों को सुने, वो लोक गीत जो उसके पैदा होने के तुरंत बाद पहली भाषा शब्द संसार से जब उसका पहला रिश्ता बना, तो पहला रिश्ता उसकी माँ की भाषा से बना, उसकी माँ ने गाया अपनी भाषा में, उसको जो जो गाया उसके कान में पड़े, वो वापस अपनी माँ की गोद में पहुंचे, इसके लिए दिन हमने चुना। ये बहुत कम लोगों को पता होगा जो अमरजीत मिश्रा जी ने ये अपनी बातों को रखा है, और खास करके इस आर्थिक राजधानी मुंबई में तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी के आसपास लोग रहते हैं, जिसमें बहुत बड़ा वर्ग जो है वह उत्तर प्रदेश समुदाय से बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेशी समाज से बिलोंग करता है। आपसे ये जानना चाहते हैं, जितनी बातें आपने बताई ये तो बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम आप रखते हैं, क्या यह किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करती है ये कार्यक्रम, या फिर नॉन पॉलिटिकल? देखिए, ये कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल ही होता है, और पूरे तौर पर सांस्कृतिक होता है। मुंबई शहर में जो उत्तर भारत का नागरिक है, वो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के बाद एक बड़े मुकाम पर पहुंचा है, जिस मुकाम पर पहुंचा है ऐसी अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों का यहाँ सम्मान भी होता है। ये अपने आप में उत्तर भारत के लोगों का एक अनोखा कार्यक्रम है, और इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि अलग अलग क्षेत्र में शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले ऐसे लोगों का यहाँ सम्मान भी होता है, और उन अगली पीढ़ी के लोगों के लिए वो मार्गदर्शन करता है कि आप भी शून्य से शिखर की यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए जवाब हो सकता है जिन लोगों के लिए उत्तर भारतीय बहुत छोटी, एक मामूली, जिसे रज कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो उत्तर भारतीयों को हीन भावना से देखते हैं, उनके बारे में गलत सोच रखते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो कड़े संघर्ष और अथक प्रयास के चलते इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नया आयाम देने के लिए तत्पर रहा करता है, वो है उत्तर भारतीय समाज। और इस उत्तर भारतीय समाज के लिए अमरजीत मिश्रा जी के संस्था, आपकी संस्था का नाम सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, संस्था का नाम अभियान है, और वो बेसिकली मुंबई शहर की समस्याओं के साथ, समस्याओं को हल करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखता है कि हम अपनी लोक चेतना से जुड़ें,
मुंबई शहर की आबो हवा में, सीमेंट के इस जंगल में आप रोज की रोजमर्रा की चीजों से युद्ध करते हुए अपनी मिट्टी से जुड़े, अपनी संस्कृति को समझें, आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। मुंबई शहर में अपना गांव अर्जित नहीं कर सकते, यही गांव दिखाने का काम अभियान करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। हमारे साथ यहां पर अमर त्रिपाठी जी हैं, जो कि किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। आप क्या सोच रखते हैं उत्तर भारतीय समाज को लेकर, खासकर तौर पर इस मुंबई में? नहीं, उत्तर भारतीय समाज से आपका मतलब क्या है, नेता या सांस्कृतिक कार्यक्रम? आम जनमानस की हम बात कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो समझ रहा हूँ। आपका इशारा सीधे सीधे नेतागिरी पे ही है। जनमानस का मतलब यही हुआ कि उत्तर भारतीय लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यदि नेतागिरी की बात है तो वही सही, कम से कम बता तो दीजिए, क्या उत्तर भारतीय समाज का कोई योगदान नहीं है? वही मेरा कहना है कि ये जो आपका शब्द है, आपके जो सवाल है वो बहुत बेमानी है। उसका एक कारण आपको बताता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी वो रहे उत्तर भारतीय और उत्तर यहाँ की राजनीति से, उत्तर भारतीय राजनीति से, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन वो आदमी ने सबके लिए काम किया। मराठी में वो इतना अच्छा बोलते थे, मुख्यमंत्री के सामने कई चीज़ें वो उस समय विलासराव देशमुख को बताया करते थे, उनके गांव अगल बगल की, जिसके बारे में आश्चर्य करते उनको जानकारी नहीं है। मुरली देवड़ा एक अलग राजस्थान की वहाँ से है, तो कौन कहाँ से आया और कौन कहाँ पे किस राजनीति से आकर के, ये राजनीति में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और तमाम जो भारतीय मुद्दा है, इसकी जगह पे ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी जो है एस्टेब्लिशमेंट पे सबके लिए काम कर रहा है, ऐसी एक बात क्यों नहीं होती? बात आपकी काफी अच्छी है, लेकिन बात आपने जब छेड़ी है राजनीति की, तो आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या मुंबई की राजनीति हो, महाराष्ट्र की राजनीति हो, भारतवर्ष की राजनीति हो, क्या इस राजनीति में उत्तर भारतीयों का कोई योगदान नहीं है? उत्तर भारतीय राजनीति आप देख लीजिए, अमरजीत है, इतने सालों से काम कर रहा है वो, आज महामंत्री है बीजेपी का, बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के सबके लिए काम कर रहे हैं। उनके शब्दों से और उनके कार्यक्रम को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन बतौर एक नागरिक, यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि उत्तर भारतीय समाज को कुछ लोगों ने पहले हीन नजरों से भी देखा, कई राज मसलन के तौर पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की हम बात करते हैं, उत्तर भारतीय समाज अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा था जिस दिन उन्होंने पर प्रांतियों का मुद्दा छेड़ा था। आज कहीं ना कहीं से शांति का माहौल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब जब चुनाव नजदीक आता है बात उत्तर भारतीयों की निकलती है, खास करके इस महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पर। सभी लोग यहाँ पे बहुत सक्षम हैं, सब बहुत तेज दर्रार हैं, और इसको बहुत ज्यादा राजनीति आप मत लेकर के जाइए, सब लोगों को बख्शिए, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? राम सजीवन दुबे। आप इनकी बातों से नहीं समर्थन नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों कि यहाँ पे मुद्दा आया हुआ अभियान संस्था का, आपने पहले ये प्रश्न किया कि ये संस्था का मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है, तो संस्था का उद्देश्य जो अमरजीत मिश्रा ने आपको पहले ही बता दिया कि हम उत्तर भारत के समाज को साथ जोड़ते हुए इवन महाराष्ट्र में हम रह रहे हैं, महाराष्ट्रियन को भी अपने साथ जोड़ें, क्योंकि हम महाराष्ट्रियन उत्तर भारतीय एवं सभी भारतीयों को लेकर के चलने का कार्य कर रहे हैं। विशेष करके ये इनका ख्याल था कि जब हम 1962 में मैं बॉम्बे आया और 62 से आज तक, 62 में हमारे देश की, महाराष्ट्र की, बम्बई की स्थिति ऐसी थी कि रियल में आपने कहा कि उत्तर भारतीयों को देख लोग कुछ हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन वो स्थिति आज 2016 या 2010 के बाद से नहीं रह गई। हमारा हर उत्तर भारतीय इतना सक्रिय है, इतना सक्षम है कि वो अपने पैरों पे खड़ा है, इतना पढ़ा लिखा है। राजनीति की आपने बात जो उठाई, तो राजनीति में उत्तर भारतीयों से आगे नहीं है कोई। क्यों कि उत्तर भारत में बिहार यूपी का हर बच्चा बच्चा राजनीतिज्ञ है, लेकिन अमरजीत ने जो मुद्दा उठाया वो राजनीति से परे है। इस अभियान संस्था का एक ही मुद्दा है कि हम, हमारे उत्तर भारतीय अपनी पुरानी परिपाटियों को भूल चुके थे, जैसे कजरी, सोहर, पचरा, अन्य चीजें, ये सब बंबई में जिंदा लाने का कार्य जो किया ये अभियान संस्था, जिसके सभी कर्ता धर्ता विशेष करके अमरजीत मिश्रा जी रहे, इन्होंने अभियान बैनर के तले पूरे कार्यक्रम को किया और आगे करते रहे हैं। इसकी मैं भी, इनको कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है हर जगह, आर्थिक, सामाजिक, इवन जैसे आपने कहा कि बहुत पहले कुछ यहाँ के लोकल पार्टियां, नाम नहीं लेते हुए बताऊंगा, उन्होंने विरोध भी किया इसी ग्राउंड का 2-5 साल पहले, लेकिन इन्होंने चैलेंज के साथ कहा कि मैं करूंगा और करके रहूंगा, करके दिखाया। और इस संस्था में इन्होंने यहाँ इवन उद्धव ठाकरे को भी बुलाया था और चीफ गेस्ट बनाया हुआ था, यही मेरा कहना था विशेष करके।
कुल मिला के कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। हम अकेले ही चले थे जानेबे मंजिल, हम चलते गए लोग आते गए और कारवां बनता गया। अभियान संस्था शुरुआती दौर में एक मामूली सी संस्था, जो देखते देखते लोगों को मकसद ये था उत्तर भारतीय समाज को जोड़ा जाए, क्योंकि जब जब बात आती है राजनीति की या किसी अन्य सब्जेक्ट की तो उत्तर भारतीय समाज को जरूर उसमें गाहे बगाहे जरूर शामिल कर लिया जाता है और उस पर राजनीतिक रोटियां भी सेकनी शुरू कर दी जाती है। लेकिन आज का ये अभियान संस्था का जो कार्यक्रम 24 जनवरी को हर साल की भांति इस साल होने वाला है, उसमें कई सितारे, कई राजनीतिक विभूतियां यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी अन्य विषयों पर करेंगे चर्चा। बने रहिए लमन न्यूज के साथ। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।